मित्रों, महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ तो लोग जानते हैं, जबकि कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे और महाभारत युद्ध के सबसे बड़े सूत्रधार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि तीन तीन कृष्ण थे? चौंक गए ना? जी हाँ, तीन कृष्ण थे। महाभारत के एक कृष्ण के बारे में तो आप जान ही गए, लेकिन दूसरे कृष्ण के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस दूसरे कृष्ण का नाम है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। दरअसल महर्षि वेदव्यास का असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा ये कि महर्षि वेदव्यास का रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ा। महर्षि वेदव्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ने के पीछे दूसरी कहानी ये है कि वो जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। कई सालों तक लगातार तपस्या करने से उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। तीसरे कृष्ण को तो आपने टीवी सीरियल कृष्ण लीला में जरूर देखा होगा। हालांकि इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण भी कहा जाता है। दरअसल पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेद देश में वो पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। पौंड्रक के पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वो स्वयं को वासुदेव कहता था। उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने भी उसे ये बता दिया था कि असल में वही भगवान विष्णु का अवतार है, वही असली कृष्ण है। ये बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई कि उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपना रंग और रूप बना लिया था। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीला वस्त्र धारण कर लिया था। अहंकार वश उसने भगवान श्री कृष्ण को ही चुनौती दे दी थी। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस नकली कृष्ण का वध कर दिया था। दोस्तों, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम ऐसी ही भक्तिमय रोचक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें। जय शंकर।